भारतरत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता संबंधित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी। सर्वप्रथम सर्व बौद्ध बांधवांना आणि सर्व नागरिकांना संविधान दिवसाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। या संविधान दिवसानिमित्त इथे जमलेल्या सर्व लाखो आमच्या बौद्ध बांधव आणि आज सकाळी निघालेली रॅली आणि आज आम्ही शाक्य संघटनेतर्फे बाबासाहेबांना अभिवादन करण्याकरता आज हजर झालो आहे। संविधानाबद्दल बरेच लोक बोलतात, संविधान बचाव संविधान बचाव, संविधानाला कोणी धक्का लावू शकत नाही, संविधान वाचवण्याचा प्रश्नच नाही, संविधानाला जर धक्का लागला तर इथे खूप मोठी क्रांती घडेल असं मला वाटते। आज जरी बौद्ध बांधव एक विघटित असतील तरी एकजुटीने सर्व एकत्र होणार आहेत आणि संविधानासाठी लढणार आहे। तरी सर्व माझ्या शाक्य संघटनेचे आमच्या अधिकारी कर्मचाऱ्याकडून सर्वांना शुभेच्छा। दोस्तों सभी को मेरा सप्रेम जय भीम नमस्कार। दोस्तों आज का ये जो दिन है ये हमारे भारत देश के अंदर में सभी के आज़ादी का दिन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जाति धर्म पंथ है इन सभी जाति धर्म पंथों को बांधने वाला एक सूत्र में लाने वाला एक ही ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ वो है संविधान, और जिसका निर्माण हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। मित्रों मैं आज इस क्रांति भूमि से इस संविधान चौक से ये संदेश देना चाहूंगा, जितने भी जाति धर्म है इन सारी जाति धर्मों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यह किसी एक धर्म के नहीं थे, जिन्होंने सारे जाति धर्म के लिए कार्य किया है, सारी जाति धर्म के लिए जिन्होंने अपना त्याग दिया बलिदान दिया है दोस्तों सारी दुनिया जानती है, लेकिन शोकांतिका इस बात की है कि आज भी जिस धर्म ग्रंथ को जिस राज्य जिस संविधान को पूरी दुनिया मानती है उस संविधान के बारे में यहाँ भारत के अंदर में वो बदलने की भाषा कही जा रही है, ये बहुत बड़ी गलत बात है दोस्तों। जिस तरह से 500 महा बटालियन ने इतना बड़ा संघर्ष करके 28,000 पेशवाओं को कत्ल कर डाली है, उसी तरह से अगर जिस दिन यहाँ इस भारत देश के अंदर में संविधान को हाथ लगाया जाएगा ये पूरी की पूरी महार बटालियन और जितने भी बौद्ध धर्म लोग हैं इधर धर्म जो लोग हैं ये पूरे लोग जागरूक हो जाएंगे और सारी पूरा आंदोलन करेंगे दोस्तों, पूरे दुनिया को ये बता देंगे कि भारतीय राज्य घटना कोई आम चीज नहीं है, जो चाहे बदलने को निकले हम उन्हें उनके अवकाश दिखा देंगे दोस्तों। और आने वाले इलेक्शन के अंदर में मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे सब लोगों के विचारों वाला पंत प्रधान यहाँ पे चुन गया है, किसी एक जाति धर्म को
पालने वाला आगे ना आए दोस्तों। मैं सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज 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 आप लोग बाबा साहब के कर्तव्य को मत भूलिए। उस इंसान ने सारे धर्म के लोगों के लिए काम किया है दोस्तों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, खासतौर से मेरे माता बहनों को, माता बहनों जो उनका मान सम्मान है केवल एक उनका भगवान एक ही है, उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते ना तो इस देश की राज्य, इस देश की पंद्रह प्रधान महिला नहीं बनती, इस देश का राष्ट्रपति महिला नहीं बनता, बड़े बड़े पदों पर ऊपर में महिलाएं कभी नहीं आई, कभी नहीं आती दोस्तों। इसलिए मैं आज की ये मैसेज देना चाहूंगा कि बस जागरूक हो जाओ और संविधान की रक्षा करो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।